Assalamu alaikum everyone, this is Kinkara edition and it is Sabrina Sahar. Hope you all are doing great. मुझे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स के क्लाइंट्स के मैसेजेस आते थे कि भाई आप बताएं आप ऐसे क्या करते हैं ब्रेकफास्ट में लंच में डिनर में क्या का वेट मेनटेन रहता है सो आई थॉट कि एक प्रॉपर मैं डिटेल वीडियो बना लूँ ठीक है जिसमें बताऊँ ब्रेकफास्ट में क्या लेती हूँ डिनर में क्या लेती हूँ अगर बाहर में जाती हूँ ऐसा कौन सा ऑप्शन चूज़ करती हूँ जिससे मेरा वेट गेन ना हो ठीक है सो वेट मेनटेन रहे तो इसकी प्रॉपर डिटेल वीडियो होगी ठीक है प्री ब्रेकफास्ट से मैं स्टार्ट करूँगी आपने इसको लास्ट तक देखना है प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि भाई ये ले रही हूँ तो क्यों ले रही हूँ इसका क्या फ़ायदा है हाउ इट मेंटेन्स माय वेट तो आप इसको लास्ट तक देख सबसे पहले सुबह उठते ही आई ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर अबाउट थ्री टू फोर ग्लासेस ऑफ वाटर एम्प्टी स्टमक ठीक है ये क्या करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है डिटॉक्सिफाई द टॉक्सिन फ्रॉम आवर बॉडी इट हेल्प्स टू कंट्रोल योर क्रेविंग्स आफ्टर आई मैनेज टू डू ट्रेडमिल अबाउट ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स ठीक है डेली मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी में कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट मैं ट्वेंटी टू थर्टी मिनट ट्रेडमिल करूँ अपने बिजी डेज़ में भी ठीक है तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले ये हमारे वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है कार्डियो वर्कआउट है एक क्रिएट ठीक है उसके साथ साथ हमारे मसल को बिल्ड करता है बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करता है हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है सुबह उठते ही हमारी जो स्ट्रेस होती है एक अलग सी वीकनेस होती है लेजीनेस होती है उसको ये कम करता है डायबिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है और एक एक अच्छा स्टार्ट हमारे दिन को मिलता है और ट्रेडमिल में सबसे पहले जब आपने करनी है आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले आप स्टार्ट करें वॉकिंग से ठीक है आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को इंप्रूव करें उसको स्पीड लेवल्स का आहिस्ता ऐसा बढ़ाएं स्टार्ट में उसको हायर लेवल से ना स्टार्ट करें ठीक है फिर आपके लिए मसला हो जाएगा ठीक है तो आपने क्या करना है उसको लेस स्पीड से स्टार्ट करना है वॉकिंग से स्टार्ट करना है स्लोली स्लोली स्पीड इंप्रूव कर लेनी है ठीक है और ड्यूरिंग वर्कआउट ड्यूरिंग ट्रेडमिल में अपने साथ बॉटल ऑफ वाटर रखती हूँ ठीक है ये मुझे डिहाइड्रेटेड नहीं फील होने देता जो सांस चढ़ता है उसको भी ये इंप्रूव करता है ठीक है एंड एक हेल्दी वर्कआउट फील आती है फ्रेश फील आती है नाउ ऑन टू माई ब्रेकफास्ट ठीक है ब्रेकफास्ट में मेरा यूजअली जो होता है जैसे मैं अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ कि ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रोटीन्स भी लूँ मैं उसके साथ साथ फैट भी लूँ एंड ऑल दैट ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्राई एग लेंगे ठीक है जिसको मैंने देसी घी में फ्राई किया आपके सामने है, ठीक है देसी घी में उसको फ्राई करके देन आई विल ईट इट ओके और साथ में मैं लूँगी ब्रैंड ब्रेड के पीसेस दो पीसेस हम उसको लेंगे ठीक है ब्रैंड ब्रेड मिल्की ब्रेड जो भी अवेलेबल हो मैं ले लेती हूँ ठीक है उसको बस मैंने स्टोव के ऊपर जैसे उसको ब्राउन किया है ठीक है उसको कोई भी ऑयल फ्राई नहीं करना जैसे ब्राउन कर लेना उसको टोस्ट बना के तो यहाँ पर हमारा प्रोटीन पोर्शन भी हो गया और कार्बोहाइड्रेट भी हो गया देसी घी की, की फॉर्म में फ़ैट भी हो गया ब्रेकफास्ट हमारे दिन का स्टार्ट होता है ठीक है अगर हम वो भी उसमें ही अपनी कैलोरीज को कम लेंगे तो पूरा दिन हम लेज़ी रहेंगे ठीक है हमारी क्रेविंग्स भी हमें होती रहेंगी उसके अलावा हमारा मेंटल लेवल भी बहुत लो रहेगा हमारा माइंड परफेक्टली वर्क नहीं कर सकेगा ठीक है और अब बात करते हैं चाय की आई एम ऑल्सो ए टी लवर तो मैं नाश्ते में ज़रूर लेती हूँ ठीक है इसको बनाने के लिए मैं ऑलमोस्ट वन बटा थ्री कप ऑफ वाटर लेती हूँ उसके अंदर हाफ कप मिल्क डालती हूँ लो फैट मिल्क होता है ठीक है लो फैट मिल्क बेशक आप मार्केट से ले लें ठीक है डब्बा पैक ले लें बेशक या फिर आप उसको घर में जो बाहर हम लेते हैं ओपन मिल्क की उस दो तीन बार उससे बॉईल करें वो भी आपका लो फैट ही होगा मैं चाय बना के उसको लेती हूँ ठीक है उसके अंदर जब मुझे फ़ील होता है कि नहीं मुझे मीठा चाहिए मीठे की क्रेविंग होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें शुगर ना यूज़ हो बिकॉज शुगर का फ़ायदा कोई नहीं है इट्स जस्ट एम्प्टी कैलरीज सो so, मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं शुगर लूँ इन दू टी एंड ऑल दैट ठीक है बिकॉज बार बार पीनी होती है जिनको टी लवर्स हैं उन्होंने तो लेनी भी बार बार है सो दैट्स फाय लेकिन हाँ अगर मुझे क्रेविंग्स होती है तो जैसे मैं हनी डाल रही हूँ मैं हनी डाल के वो ले लेती हूँ ठीक है हनी में भी कैलरीज ऑलमोस्ट सेम होती है बट उसका फायदा ये होता है कि उसमें और भी न्यूट्रेंट्स हैं जो आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं ठीक है थीके? सिर्फ एम्टी कैलरीज नहीं है जिस जस्ट बर्डन ऑफ ऑफ तो कैलोरीज नहीं है ठीक है और योगर्ट भी मैं समटाइम्स मैं योगर्ट लेती हूँ जो घर का बना होता है विदाउट फैट होता है ठीक है उसके अंदर भी आई डोंट यूज़ दुगर आई यूज शक्कर एज शोन इन द वीडियो तो ये मेरा एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट है आई एम गोइंग टू ईट लाइक ए किंग और अब मैं जा रही हूँ अपने वर्क पे ड्यूरिंग वर्क टाइम मैं कोशिश करती हूँ अपने साथ में स्नैक्स घर से ही लेकर जाऊँ यूजुअली मैं स्टोरीज भी लगाती हूँ कि मैं फ्रूट ले रही हूँ जिसमें एप्पल ले जाती हूँ कभी पीज ले जाती हूँ कभी प्लम्स ले जाती हूँ तो कोशिश होती है मुझे कि स्नैक में साथ लेकर जाऊँ बट आज थोड़ा बिजी थी ले जाने से कि तो उधर ही मैनेज करेंगे जो भी खाना होगा तकरीबन तो 11 टू तो 12 ओ क्लॉक मैंने जूस लिया जो कि विदाउट शुगर था पीस जूस उसके बाद जब स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो काम ज़्यादा हो तो ओबियसली टी लेवर हूँ तो टी तो लेनी है तो वह टी भी लेती हूँ ठीक है वन कप विदाउट शुगर और लो फैट होता जैसे मैंने बताया था कि मेरा लंच बाहर है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या ऑप्शन चूज़ करें कि जो हमारे वेट गेन ना हो मेंटेन रहे ठीक है तो जैसे कि मैंने अपनी सारी वो देखा था मेन्यू में क्या है उसमें फिर सबसे पहले मैंने राइस लिए थोड़े से ठीक है साथ में चिकन के सालन ले लिया टू स्पून ऑलमोस्ट राइस लिए ठीक है अब मैं यहाँ पर नान नहीं ले रही ऑप्शनल अगर आपका दिल करता है तो आप ले लें लेकिन मैं प्रेफर कर रही हूँ नानूँ बिकॉज ऑलरेडी हम ओवर ईटिंग करेंगे आज तो अवॉइड कर रही हूँ मैं उसको ठीक है स्टीम चिकन ले लिया उसके साथ मैंने टू बोटीज़ ले लिया ठीक है हर चीज़ पोर्शन में ले ली है हर चीज़ खाएं जो आपका दिल करा मुझे जो पसंद आ था मैं वो डाल रही थी लेकिन उसको पोर्शन देखें उस हिसाब से देन फिश बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी तो मैंने एक पीस फ़िश का भी लिया ठीक है दैन एक और वैरायटी थी चिकन की जो मुझे याद नहीं है क्या नेम था एक्जैक्टली exactly, वो भी मैंने ले लिया ठीक है तो जो मेरा दिल किया मैंने सब कुछ एक प्लेट बना ली जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जब आपको बाहर खाना पड़े जिसमें अनहेल्दी चीज़ें भी हैं तो आपने कोशिश करनी है सबसे बेस्ट आपके लिए क्या उस टाइम हेल्दी मील हो रहा है उस सब जो ऑप्शन में से ठीक है फिर आपने चूज़ करना है कि भाई ये वाला बेस्ट है और ये मुझे पसंद भी है तो आपने वो लेना है उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अनहेल्दी चीज़ों की तरफ चल जा सकते हैं आप ठीक है तो अब बात करते हैं ये सारी मज़ेदार सी डिशेस थी जिसमें मीठे में भी थी उसमें हर तरह की चीज़ें थी ठीक है तो अब मैं इसमें से बताऊंगी कि ऐसा मैंने क्या चूज़ किया जो मेरे लिए मुझे उस टाइम लगा कि इट्स ओके टू ईट तो सबसे पहले आप देखे बहुत मजे मजे की डिशेज थी जिसमें से चूज़ मैं वैसे आई एम नॉट ए स्वीट लवर लेकिन ये है कि जब इतनी ज़्यादा चीज़ें हो तो कुछ ना कुछ मज़े का लगता ही है तो इसमें से मैं आपको बताती मत हूँ वट आई चूज्ड ये थोड़े से हमने हर चीज़ की जो जो मुझे पसंद थी मैंने थोड़े थोड़े से स्पूस ले लिए लाइक टू स्पून टू स्पून टू स्पून या एक स्पून छोटा छोटा स्पून था इसलिए टू टू लिए ठीक है थोड़ा सा सैलड भी डाल देते हैं इसके अंदर ठीक है और साथ मैंने थोड़ी सी फ्रूट चाट भी ली थी जो कि हेल्थी और ऑप्शन है ये तो वैसे जो प्लेट रेडी की है ये टू टू थ्री परसेंट्स की है लेकिन इसमें से भी मैंने थोड़ा थोड़ा ही खाया था कोशिश करें हर चीज़ खाएं आपके साथ जो आपकी कुलीग हैं वो खा रहे हैं आप वही चीज़ें लें लेकिन उसको थोड़ा सा मैनेज करके अपने हिसाब से लें ठीक है देन ऑन टू दिन टू द टी जो कि कार्डिमम टी थी ठीक है वेट लॉस के लिए हेल्पफुल है सीरियर डिजीजेज में जैसे गुड और हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग को अगर आप क्विट करना चाहते हैं तो कार्डिमम बेस्ट है हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है उसके अलावा हार्ट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है डाइजेशन को इम्प्रूव करता है सो इट्स अ गुड ऑप्शन ठीक है तो मैंने ब्राउन शुगर थी उसमें डाल तो ली लेकिन चलें तब ऑप्शन थी मैंने डाल ली बट यू कैन अवॉइड दैट एज वेल बिकॉज कार्डमम था वो टेस्ट थोड़ा इशू आता है इवनिंग स्नैक में मैं फ्रूट लेती हूँ ठीक है वन टू टू ऑप्शन आज मैंने लिया था मैंगो हाफ मैंगो और साथ में फाइव हेप्टिकोट्स ऑलवेज ट्राई टू एड सीजनल फ्रूट्स अब चलते हैं डिनर की तरफ डिनर मैं कोशिश करती हूँ एट ओ क्लॉक तक मेरा डिनर हो जाए ठीक है डिनर में सेलड लें ठीक है जो आपका दिल करे मैं जैसे वैसे कहती हूँ कि आप ग्रींस और रेड्स दोनों ऐड करें मेरे पास इस टाइम क्यूकम्बर अवेलेबल था सो आई एड द क्यूकम्बर वन क्यूकम्बर साथ में मैंने साल लिया जिसमें चिकन था एंड उसकी ग्रेवी थी रोटी हाफ ठीक है बिकॉज डे टाइम हमने काफ़ी ओवर रीटिंग कर ली थी तो नाइट में हम हाफ रोटी लेंगे डैट्स इनफ ठीक है तो साथ आप इसको रोटी के साथ लें वि सालन ठीक है ग्रेवी के साथ तो एक अच्छी आपकी नाइट होगा बस टाइमिंग का क्या रखते हैं कि आप सेवन टू एट ओ क्लॉक तक मैं कोशिश करती हूँ मेरा डिनर हो जाए ठीक है उसके बाद फिर अनहेल्दी हो जाएगा आपके बहुत से वेज़ में आपकी डाइजेशन को इंटरप्ट करेगा आपके सोने की स्लीप साइकिल को इंटरप्ट करेगा ऑल दैट ठीक है तो आप कोशिश करें अपना डिनर टाइम से कर लें उसको प्रॉपर करें ताकि आपको रात में आपकी क्रेविंग्स भी कंट्रोल हो और आप हेल्दी फील करें आपका वेट गेन ना हो वेट मेंटेन रहे ठीक है तो कोशिश करें कि डिनर में प्रोटीन्स हो और साथ में काब्स थोड़े कंट्रोल्ड अमाउंट में हो ठीक है ले लेकिन कंट्रोल्ड अमाउंट में हो सो दैट्स ए हेल्दी डिनर प्लेट जो कि आपने सेवन टू एट ओ क्लॉक मैंने मैं लेती हूँ आप भी ले सकते हैं सो दैट्स डिनर सोने से तकरीबन एक घंटा पहले आई ड्रिंक एक कप ऑफ मिल्क ठीक है विदाउट शुगर लेती हूँ लेकिन जब दिल करे कि थोड़े मीठे की क्रेविंग हो तो मैं हनी डाल लेती हूँ ठीक है तो कोशिश करती हूँ कि एक घंटा पहले लूँ ताकि थोड़ा स्टमक लाइट हो जब मैं सोवो ब्लोटिंग ना हो एक हेल्दी एंड ऑफ द डे हो मेरा होपफुल ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी जिसमें मैंने कोशिश की कि हर तरह से आपको गाइड किया जाए कि आप कैसे अपने मील को मैनेज कर सकते हैं बट फॉर मेनटेनेंस ठीक है वेट लॉस एंड वेट गेन एक डिफरेंट प्रस्पेक्टिव है वो डिफरेंट वे में होगा सो दैट्स ऑल फॉर टुडे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हिट द बेल आइकॉन ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए अल्लाह हाफिज़